नमस्कार दोस्तों, सीड लर्नोपीडिया में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 12th और 13th अक्टूबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप हमारे सीड लर्नोपीडिया चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज से। आज की जो फर्स्ट न्यूज है वो एक ब्रांड एम्बेसडर को लेकर है, ठीक है। जियो मार्ट ने MS धोनी को एज अ अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है, ठीक है। जियो मार्ट हैज अपॉइंटेड इंडियाज मोस्ट आइकॉनिक क्रिकेटर MS धोनी एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। और इसका ये जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, इसमें एम क्या है जियो मार्ट का? द एम ऑफ जियो मार्ट इज टू एस्टैब्लिश इटसेल्फ एज एन इंटीग्रल पार्टनर टू इंडियन फैमिलीज इन देयर सेलिब्रेशंस। अभी कंटिन्यूस फेस्टिव सीजन है, ठीक है, तो उसको नजर में रखते हुए उन्होंने ये वाला स्टेप लिया है, ठीक है। ऑल्सो जियो मार्ट हैज रीब्रांडेड इट्स फेस्टिवल कैंपेन एज जियो उत्सव सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया। अगर एग्जाम में पूछेगा कि भाई नया फेस्टिवल क्या है जियो मार्ट वाले का, तो आपका आंसर रहेगा जियो उत्सव सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया। रीब्रांडिंग अ कैंपेन कैन बी अ स्ट्रेटेजिक मूव टू अट्रैक्ट एंड एंगेज कस्टमर्स ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन। ये जो रीब्रांडिंग हुआ है, इसका मेन एम ये हो सकता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके और उनको एंगेज कर सके ड्यूरिंग दिस फेस्टिव सीजन्स, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, रेस्पायरर लिविंग साइंस एक कंपनी है जिन्होंने एक रिपोर्ट लेकर आई है जिसमें ये बताया गया कि जो एजवाल है वो भारत का सबसे क्लीन एयर देता है, ठीक है। उसी के अलावा जो दिल्ली जो है वो सबसे पोल्यूटेड सिटी है, ठीक है। According to a report by Respirer Living Sciences, which provides real-time information on various aspects including air quality and climate trends, Delhi was the most polluted city in India for air pollution. ठीक है, Respirer Living Science ये मतलब real-time information provide करती है, जैसा कि air quality हो गया, climate का trends क्या है, कैसा क्या चल रहा है, मतलब main climate के बारे में, weather के बारे में ये काम करते हैं। तो उसमें उन्होंने ये बताया कि भाई जो दिल्ली है वो सबसे पोल्यूटेड सिटी है, और उसके बाद में जो सेकंड नंबर पे आता है वो है पटना, ठीक है। पटना जो है वो सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है। ऑन द अदर हैंड ऐजवाल जो है आपकी मिजोरम की कैपिटल है, ठीक है। ऐजवाल जो है इंडिया में सबसे क्लीनेस्ट एयर है, ठीक है। उसके बाद में चिकमंगलूर वो है आपका कर्नाटका में, जो कि सेकंड नंबर पर आता है। चिकमंगलूर का भी क्लाइमेट काफ़ी ज़्यादा क्लियर और क्रिस्प रहता है, ठीक है, बहुत ही अच्छा शहर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, 19th एडिशन ऑफ एशियन गेम्स जो है सक्सेसफुली कंक्लूड हो गया है हैंगजो चाइना में, ठीक है। द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ 19th एशियन गेम्स कंक्लूडेड एट हैंगजो ओलंपिक स्टेडियम इन चाइना, ठीक है। हमारे तरफ से जो हॉकी के प्लेयर है PR श्रीजेश जी, वो हमारे तरफ से फ्लैग बियरर थे इंडिया के लिए। तो एग्जाम में अगर पूछेगा कि भाई एशियन गेम्स जो अभी चाइना में कंक्लूड हुए हैं वहाँ पर इंडिया की तरफ से फ्लैग बियरर कौन था, तो आपका आंसर रहेगा हॉकी प्लेयर PR श्रीजेश। The baton for the next Asian Games has been passed on to Nagoya, Japan for 2026. जो next Olympics, जो next Asian Games है वो जापान में होने वाले हैं, तो इस कारण से जो उसका जो baton है, baton मतलब होता है basically stick, वो pass कर दी गई है उनको। राजा रणधीर सिंह, the interim president of Olympic Council of Asia और OCA, handed over the first Asian Games flag, ठीक है। इसमें उनको Asian Games flag, current flag और जो torch of to the Japanese side. मार्किंग द ऑफिशियल एंड ऑफ द 19th एडिशन ऑफ द गेम्स, ठीक है। जैसे ही उन्होंने जो करंट फ्लैग है, जो पहला फ्लैग था एशियन गेम्स का, और जो एशियन गेम्स का जो टॉर्च है वो जैसे ही जापानी साइट को दे दिया, वहाँ पे ऑफिशियल एंड माना जाता है 19th एडिशन ऑफ एशियन गेम्स का, ठीक है। जो नेक्स्ट है वो नागोया में होने वाला है और 20th एडिशन, ठीक है। और इंडिया का परफॉर्मेंस तो बहुत ही ज़बरदस्त रहा है इस साल, टोटल 107 मेडल्स लेकर आए हैं, ठीक है। उसमें 28 गोल्ड है, 38 सिल्वर है और 41 ब्रॉन्ज है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, यस बैंक जो है पहला लेंडर बन गया है जो कि ऑफर कर रहा है ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड, ठीक है। Yes Bank has become the first bank in India to issue the Open Network for Digital Commerce ONDC Network Gift Card. The ONDC Network Gift Card makes use of RuPay Network, which is a domestic payment system in India. ठीक है, ये basically RuPay Network को use करता है। Customer जो है इसके अंदर में उनके पास में flexibility रहती है कि वो 10,000 रुपये तक के अपने ONDC Network Gift Card पर पैसा load कर सकते हैं। The ONDC Network Gift Card aims to democratize digital commerce by allowing customer to use the gift card to purchase products from any brand
and seller across various segments such as food, fashion, handicrafts, electronics, home essentials and health and well-being. ठीक है, जो जो मतलब ट्रेडिशनल कार्ड होते थे उसमें वो कुछ ही जगह पर यूज होते थे, पर ये अभी जो नया जो ONDC का नेटवर्क गिफ्ट कार्ड आया है, इसके द्वारा आप कोई भी ब्रांड का कोई भी सामान परचेस कर सकते हैं। ठीक है, अनलाइक ट्रेडिशनल गिफ्ट कार्ड्स दैट आर ब्रांड स्पेसिफिक, ठीक है, जो मैं बताया कि ट्रेडिशनल गिफ्ट कार्ड कुछ ही जगहों पर स्पेसिफिकली आप यूज़ कर सकते हैं। दिस कार्ड ऑफर्स अलाउइंग कस्टमर टू मेक परचेस फ्रॉम वाइड रेंज ऑफ सेलर्स एंड प्रोडक्ट कैटेगरीज। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, बांग्लादेश ने रिसीव कर लिया है रशिया की तरफ से यूरेनियम, ठीक है, अपने जो है रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए। ठीक है, बांग्लादेश रिसीव्ड द फर्स्ट बैच ऑफ यूरेनियम फ्रॉम रशिया फॉर इट्स रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। बांग्लादेश बिकेम द 33rd न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर द कमिशनिंग ऑफ द रूपपुर न्यूक्लियर प्लांट। बांग्लादेश 33rd न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूसिंग कंट्री बन गई है जैसे ही उन्होंने रूपपुर न्यूक्लियर प्लांट को कमीशन किया। द डायरेक्टर जनरल ऑफ रोस्टैम एलेक्स लिगदेव हैंडेड ओवर द न्यूक्लियर फ्यूल ड्यूरिंग अ फंक्शन प्रिसाइडेड ओवर बाय बांग्लादेश साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर उस्मान। ठीक है, अ सेकेंड शिपमेंट ऑफ यूरेनियम विच इज न्यूक्लियर फ्यूल फॉर द फर्स्ट यूनिट ऑफ रूपपुर न्यूक्लियर प्लांट अराइव्ड इन ढाका ऑन अ स्पेशल प्लेन एट ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, जो रूपपुर न्यूक्लियर प्लांट है उसका कैपेसिटी रहेगा 2400 मेगावाट का और उसको बनाने कौन वाला है, रशिया का एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसका नाम है रोस्टैम। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि भाई 35% रिजर्वेशन देंगे वुमेन्स को इन द गवर्नमेंट जॉब्स। द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ अनाउंसड 35% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन ऑल गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट्स एक्सक्लूडिंग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट छोड़ के जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स है, मतलब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की, उसमें 35% रिजर्वेशन वुमेन को दिया जाएगा। ठीक है, एक स्पेशल अमेंडमेंट किया गया, ठीक है, स्पेशल प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन रूल्स 1997 में, और ये वाला स्ट्रेटेजी 35% रिजर्वेशन की लागू की गई। ठीक है, द रिजर्वेशन फॉर वुमेन इज टू बी अप्लाइड हॉरिजॉन्टली एंड कंपार्टमेंट वाइज, मीनिंग दैट 35% ऑफ द पोस्ट इन द स्टेट्स सर्विसेज एक्सक्लूडिंग द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विल बी रिजर्व फॉर वुमेन एट द स्टेज ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ठीक है, चीफ मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान डिक्लेयर्ड 35% वैकेंसीज इन द पुलिस एंड अदर गवर्नमेंट जॉब पोजिशन विल बी फिल्ड बाय वुमेन। यानी पुलिस में भी 35% का रिजर्वेशन दे दिया है। ठीक है, एडिशनली द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो रिड ऑफ 50% ऑफ टीचिंग पोजिशन फॉर वुमेन, 50% टीचिंग पोजिशन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अरुणाचल प्रदेश का जो याक चर्पी है उसको GI टैग मिल चुका है। ठीक है, इन अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, द यूनिक एंड कल्चरली सिग्निफिकेंट याक मिल्क प्रोडक्ट याक चर्पी हैज बीन ग्रांटेड द कोवेटेड GI टैग। ठीक है, अब ये याक चर्पी क्या है, ये याक चर्पी एक डेयरी प्रोडक्ट है जो कि आपका जो याक ब्रीड है अरुणाचली याक ब्रीड उसके मिल्क से बनाया जाता है। ठीक है, और ये जो है इसका बहुत ही जबरदस्त ये नेचुरली फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट रहता है और इसमें प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा कंटेंट में रहता है। ठीक है, और ये एक एसेंशियल डाइटरी सप्लाई है, स्टेपल है वहाँ के लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंडी रहती है, पहाड़ों का रीजन है, तो ये वो लोग वहाँ पर ये इसको खाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट वापस से मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी उन्होंने ले कर दिया है फाउंडेशन स्टोर फॉर इंडिया लार्जेस्ट पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट। शिवराज सिंह चौहान लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द लार्जेस्ट पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट इन नीमच डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। ठीक है, द प्रोजेक्ट इज बीइंग डेवलप्ड बाय ग्रीनको ग्रुप। कौन बना रहा है, तो भाई ग्रीनको ग्रुप बना रहा है, विच इज रिकॉग्नाइज इंडिया लार्जेस्ट एनर्जी स्टोरेज कंपनी। ठीक है, इनिशियल द प्रोजेक्ट हैज कैपेसिटी ऑफ 1440 मेगावाट विद अ स्टोरेज ऑफ 7.5 आवर्स। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है, प्रोफेसर डॉक्टर ज्योति गुप्ता जी को मिल गया है स्पिनोजा प्राइज इन द फील्ड ऑफ क्लाइमेट चेंज। Indian origin professor Dr. Jyoti Gupta has received the Spinoza Prize, the highest distinction in Dutch science, for her work in the field of climate change at a ceremony in Netherlands. In Netherlands, ne unko ye wala award diya gaya. Jyoti Gupta is a Dutch environmental scientist. She is a professor of environment and development at the Global Southern University of Amsterdam. Theek hai, badhte hain next news ki taraf. The next news is Air India ne acquire kar liya hai Bharat ka pehla Airbus A350-900 aircraft via Gift City. Air India has successfully acquired its inaugural A350-900 aircraft through a finance lease transaction facilitated by HSBC.
एचएसबीसी जो है एचडीएफसी बैंक का ही आम है। विद द ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस विद इन द गिफ्ट सिटी दिस मार्क्स अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट एज इट इज द फर्स्ट वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट टू बी लीज थ्रू गिफ्ट सिटी। एक्चुअली गिफ्ट सिटी में इंडिगो वाले ने भी अपना एक ये किया है विच इज इंडियाज इनॉग्रल इंटरनेशनल फिनेंशियल सर्विस सेंटर। ठीक है। The transaction was facilitated by AI Fleet Services Limited, a wholly owned subsidiary of Air India and a finance company registered within GIFT IFSC. Okay. Both Air India Group and Indigo, हाँ ये जो बताया मैं आपको, Indigo have established leasing units in GIFT City. बढ़ते हैं next news की तरफ। जो next news है, भारत का पहला numberless credit card लेने मतलब आने वाला है जिसमें कि no CVV रहेगा, no expiry date and no annual fee. ठीक है। Five करके एक कंपनी है जो कि एक fintech कंपनी है। फाइव और एक्सिस बैंक मिलकर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया एक्सिस बैंक है पार्टनर टू लॉन्च इंडिया फर्स्ट एवर नंबरलेस क्रेडिट कार्ड फॉर टैक्स सेविंग जनजेट्स। ठीक है। संजीव मोगे प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ कार्ड्स एंड पेमेंट एक्सिस बैंक स्टेटेड दैट द नंबरलेस एक्सिस बैंक कार्ड विल प्रायोरिटाइज द सिक्योरिटी ऑफ अवर कस्टमर्स वाइल ऑफरिंग अ रोबस्ट फाइनेंशियल सॉल्यूशन दैट एम्पावर द स्मार्ट एंड एम्बिशियस यूथ ऑफ अवर नेशन। ठीक है। अक्षय मेहरोत्रा को फाउंडर एंड सीईओ ऑफ फाइव स्टेटेड दैट अ ग्रेट प्लेजर टू इंट्रोड्यूस इंडिया फर्स्ट नंबरलेस क्रेडिट कार्ड इन एसोसिएशन विद एक्सिस बैंक। अक्षय मेहरोत्रा जो को फाउंडर है और सीईओ भी है क्या क्या फाइव के, उनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई, प्लेजर हुआ था कि ये जब कार्ड उन्होंने ये किया, इंट्रोड्यूस किया। This exceptional card represents a significant stride in our commitment to offering secure and inclusive financial solutions to ambitious youth of India. Basically, ये youth के लिए बनाया गया card. ठीक है। इसका aim क्या है? To empower our users with a safe and secure payment ecosystem clubbed with the convenience of UPI payments, thereby establishing a fresh benchmark in the credit card industry. ठीक है। बढ़ते हैं next news की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है MRPL मतलब मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, इसको बेस्ट इनोवेशन इन रिफाइनरी अवार्ड मिला है फ्रॉम MOPNG. MOPNG मतलब यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड हैज वन द बेस्ट इनोवेशन इन रिफाइनरी अवार्ड फ्रॉम द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। MRPL हैज सिक्योर्ड द अवार्ड फॉर 2022-23 फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर एमिट स्टीफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम IOCL, BPCL, HPCL. IOCL, BPCL, HPCL के कॉम्पिटिशन के बावजूद MRPL ने लगातार दूसरे बार ये वाला अवार्ड जीता है। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो एक डे को लेकर है, वर्ल्ड आर्थराइटिस डे हर साल 12 अक्टूबर। ठीक है। वर्ल्ड आर्थराइटिस डे 2023 फॉल्स ऑन 12 अक्टूबर और इस साल की जो थीम है वो है लिविंग विद एन RMD एट ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 12 और 13 अक्टूबर के। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर जरूर करिए ताकि आपके जो मित्र हैं जो भी गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसको भी कुछ मदद मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग। हैप्पी लर्निंग। Have a good day ahead.